माय यूट्यूब चैनल लोकल वेंडर। तो आज हम जा रहे हैं ओरा पानी की तरफ। अभी आधा रास्ते में पहुंच चुके हैं, कोटा के पास पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पर से कम 22 किलोमीटर कोटा के पास पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पर से कम 22 किलोमीटर दूरी है। अभी 22 किलोमीटर की दूरी बची हुई है, तो थोड़ा हम लोग रेस्ट करने के लिए रुके हुए ताकि अपने बॉडी को थोड़ा कूल डाउन कर सकें इस गर्मी में। नेताम जी तो क्या बताएं, उनका क्या कहना है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम कोटा की तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी में ओरा पानी बताया जा रहा है, और उसके बाद थोड़ा ऑफ रोडिंग अपने को करना पड़ेगा। फिर 1.5 किलोमीटर के बाद वहाँ पर क्या बोलते हैं, एक डैम टाइप का है, वहाँ पर जब मेरे को क्रॉसिंग करने के बाद थोड़ा ट्रेकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद ओरा पानी का जो वाटरफॉल है वो आने वाला है वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, कितना समय लगता है देखते हैं। हम अब नाथखोला बांध जाने वाले हैं यहाँ पर से, फिर वहाँ पर से ओरा पानी कनेक्टेड होने वाला है। तो अब असली ऑफ रोडिंग का मज़ा अब लेने वाले हैं हम सब लोग। देखते हैं कहाँ तक के ऐसे सिचुएशन से रोड के। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है अभी आज के समय में। तो थोड़ा पावरफुल बाइक लेके आइए, और आते हैं तो सिर्फ टू व्हीलर्स में ही आइए। यहाँ पर तो आए थे, मेरे को तो लग नहीं रहा है कि कार वार घुस सकेगा सही ढंग से। सो फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं ओरा पानी के पास, ओरा पानी के झरने के पास। यहाँ पर दर्शाया गया है कि उस मंदिर का नाम क्या है, शक्तिपीठ है कुछ, श्री मागेश्वर महादेव मंदिर है। चलिए देखते हैं, चढ़ के देखते हैं मंदिर का हम भी दर्शन कर लेते हैं थोड़ा। सो फ्रेंड्स, हम ये मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। तो ये मंदिर का नाम है श्री मागेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ पर एक पत्थर की प्रतिमा विराजमान है। और ज्वाइन हुए हैं, नाम बताओ यार अपना। हाय, राम नेताम। रविंद्र ध्रुव। सो अब ये लोग बताएंगे कि कहाँ तक जाना है हम लोग को। ये लोग बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, यहाँ पर 3-4 बार आ चुके हैं, तो हम लोग स्पेशली ये लोग को बुलाए थे ताकि आए और हम लोग गाइड करें। तो अब हम इन लोगों के संग जा रहे हैं भाई लोग आगे झरना के तरफ। बता रहे थे 2-3 झरना है यहाँ पर, और बहुत अच्छा है, और जाने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है कैसा होता है देखते हैं आप लोग के साथ। कैसा भाई, कितना किलोमीटर है यहाँ पर से झरना? देखा था भैया कैसे है, कहाँ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ओरा पानी वाटरफॉल का पहला झरना यहाँ पर हम देख सकते हैं, और बहुत सारे सैलानी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर तो फुल पिकनिक का माहौल है, और काफ़ी अच्छे लोग हैं वैसे तो, मददगार हैं हमारे से, तो रास्ता को भी बता रहे थे कि
भाई को देखो कैसा चल रहा है वो बेचारा। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर एकदम। यार क्या एडवेंचर है यार। सो आज की जर्नी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो गया। अभी तक के कोई यूट्यूबर आई डोंट थिंक सो कि इतना ऊपर चढ़ा होगा। तो हम आपको एकदम टॉप पे ले जा रहे हैं आज, जिसको बोलते हैं गोड़वाना फॉल्स, ऐसा मेरे दोस्त बता रहा था। दिख रहा है और ये सबसे टॉप झरना है यहाँ पर का और पानी का, और बाकी कोई दिख नहीं रहा आप तक देख सकते। तो अब हम यहाँ पर नहाने वाले हैं दोस्तों, चलिए नहा।